अभी अगर आप लोगों ने हेलमेट अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया होगा, मैंने सिर्फ 10 मिनट हेलमेट पहना था और ये माथे की लाइन देख सकते हो आप। माथे की लाइन इसलिए पड़ी है क्योंकि जो मैंने बंदाना पहना था, हेलमेट माथे पे बहुत ज़्यादा टाइट है, बंदाना पहना था तो उसने ये निशान छोड़ दिया है। आप सोचो ये 10 मिनट में ये हाल है, अब अगर मैं ये 10 घंटे हेलमेट पहन रहा हूँ जहाँ पे मेरे को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है मोटरसाइकिल पे, तो क्या हाल होंगे। तो ये महाशय हमेशा आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ काम नहीं है इनको, स्टोर के बाहर आ जाते हैं आइसक्रीम खाने। ये देखो आज नहीं मिलेगी कुछ भी, हाँ कैसे अभी खिलाते हैं हम इनको थोड़ी देर में वीडियो शूट के बाद आइसक्रीम। और इनका नाम है बाय द वे बंटी, बर्थडे बर्थडे। और कोई कस्टमर आ गए, पूछ ले पूछ ले पूछ ले। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to yet another one more brand new technical video of mine. My name is Tiger Cole and I hope you all are doing absolutely fine. आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, एक और सेफ्टी गियर के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पुरानी दो वीडियोस में, जिसमें आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ही अच्छा प्यार मिला है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है उन दो वीडियोस को, उसी के चलते हुए मैं तीसरी वीडियो भी लेकर आया हूँ टेक्निकल टाइगर सीरीज को। नाम भी बहुत कैची है ना, टेक्निकल टाइगर। तो हमने लास्ट वीडियो में ग्लव्स के बारे में बात की थी, उससे पहले वीडियो में जैकेट की प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। क्या वो गेस कर सकते हो कौन सा पार्ट है वो? वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट हेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप सभी व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताइए कितने प्रतिशत भारतीय हेलमेट प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं? कोई बता सकता है मुझे इसका सही आंसर? मेरे हिसाब से हार्डली 10 में से शायद एक या दो ऐसे राइडर्स होंगे, ऐसे बाइक चलाने वाले होंगे, ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट होंगे या स्कूटी चलाने वाले ऐसे लोग होंगे जो हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए पहनते होंगे। रेस्ट एवरीवन इज वेयरिंग जस्ट टू अवॉइड कॉप्स। भारत सरकार ने बहुत बड़ा बड़ा हेलमेट ना पहनने पर, सीट बेल्ट ना लगाने पर बड़े बड़े फाइन रखे हुए हैं, इसलिए हम लोग पहनते हैं। अभी हेलमेट पहनने के चक्कर में हम हेलमेट की क्वालिटी का ध्यान ही नहीं रखते, हम हमेशा हेलमेट सिर्फ मामा लोगों को अवॉइड करने के लिए पहनते हैं। उस चक्कर में, अवॉइड करने के चक्कर में हम ये तक भूल जाते हैं कि जो हम अपना सर, जो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हमारा ब्रेन है, जो सीपीयू है इस कंप्यूटर का, उसकी प्रोटेक्शन को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम महंगे कपड़े तो खरीद लेते हैं, महंगे जूते भी खरीद लेते हैं, नील पॉलिश महंगी महंगी कर लेते हैं, घड़ियां पहन लेते हैं, अननेसेसरी चीजें अपने ऊपर खर्चा करते हैं, बट प्रोटेक्शन के मामले में हम हमेशा जीरो। कम से कम बहुत बार यहाँ पे स्टोर पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हाँ सीरियसली हम टेलिंग, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आ जाएंगे और बोलेंगे भाई 500 का हेलमेट है क्या, 300 का हेलमेट है क्या? मेरा जवाब उनके लिए एक ही होता है कि बाहर से 10 रुपए का तरबूजा खरीदो, उसको खा लो, एक तो अच्छा हाइड्रेशन देगा और उसका जो खोपचा बचेगा ना, वो 100 रुपए पहन के निकल लो रोड पे, स्कूटी पे बैठ के आराम से प्रोटेक्शन देगा, मस्त हो, खर्चा भी नहीं होगा तुम्हारा, प्रोटेक्शन भी होगा सर। जोक सपाट, तो वीडियो का टाइटल आज यही है कि हेलमेट्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो सबको पता है। मैं, मेरे बताने से कुछ होने नहीं वाला है, फिर भी मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, बेसिक चीजें बताऊंगा हेलमेट्स के बारे में और बेसिक इकोनॉमिकल बजट हेलमेट्स ही दिखाऊंगा। सबसे पहले आते हैं ऐसे हाफ फेस हेलमेट्स पे, ठीक है। अभी ज्यादातर लोग, स्कूटी वाले लोगों की मजबूरी हो जाती है कि उनको हाफ फेस हेलमेट पहनना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनको डिक्की में रखना है। बट हाफ फेस हेलमेट जब आप पहनते हैं तो सिर्फ आपका इतना चेहरा ही कवर होता है, आपका जो चिन पार्ट है ऑलमोस्ट 30-35% जो आपका चेहरा है, सर का पोर्शन है 35%, वो ओपन रह जाता है किसी भी मेजर डैमेज के लिए। जब भी एक राइडर एक हेलमेट पहनता है और कोई भी अनफॉर्चुनेट घटना हुई, आप गिरे, आप जब गिरते हो पहला ऐसा झटका लगेगा और दूसरा ऐसा झटका लगता ही लगता है। तो जब दूसरा इम्पैक्ट आता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरा इम्पैक्ट हमेशा चिन पर ही आता है किसी भी टू व्हीलर एक्सीडेंट में। ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहती है।
एक्स्ट्रा इम्पैक्ट जब ये होता है तो चिन हाफ फेस हेलमेट में, समझ गए ना, तो बताने की जरूरत नहीं। उसी हिसाब से आपके पास ऐसे भी हेलमेट्स आते हैं, फिर से हाफ फेस हेलमेट्स। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप ऊपर ले जाए, थोड़ी सी अच्छी रेंज आ जाए, तो ऐसे हेलमेट्स आ जाते हैं। अगेन ये हेलमेट्स, मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा, ना मैं किसी खरीदने वाले को बुरा बोल रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि हेलमेट जितना बेटर होगा उतना ज़्यादा बेटर हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अभी बहुत बार होता है कि किसी का बजट नहीं है, बट एटलीस्ट मैं ये रिक्वेस्ट फिर से करूँगा और बहुत बार शायद मैं आगे भी करूँ इस वीडियो में, टू हैव समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। आप कुछ तो हेलमेट खरीदो, चाहे फिर हाफ ही फेस क्यों ना हो, बट एटलीस्ट पहनो। हाफ फेस रिकमेंडेड नहीं है, ऐसे हेलमेट्स भी रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनकी सेफ्टी सर्टिफिकेशंस को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको ISI प्रमाणता मिलेगी। अभी ISI प्रमाणता में सेफ्टी को लेकर कुछ भी लिखा नहीं गया है। इंडिया में अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग बेचना खरीदना है तो वो ISI प्रमाणित होना चाहिए। अभी इसी हेलमेट की रेंज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे अच्छे अच्छे ग्राफिक वाले हेलमेट मिल जाएंगे, जो अभी मेरे हाथ में SMK का स्टेलर सीरीज है। अभी एक और बात, उससे पहले ये वाले हाफ फेस हेलमेट आपको 1000 रुपए की बजट में आ जाएंगे। उसके बाद ऐसे वाले स्टड्स के हेलमेट आपको 1895, पकड़ लीजिए 2000 की रेंज में आ जाएंगे। और ये जो आपकी स्टेलर सीरीज है SMK की, ये हेलमेट आपको 4300 की रेंज में आ जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा और प्रीमियम क्वालिटी में जाएंगे तो SMK के ही ट्विस्टर सीरीज है, जो आपको 4650 में आएगी। जिसका डिफरेंस यही है कि इन हेलमेट्स में आपको डे वाइजर नहीं मिलता है, ये वाला, और इन हेलमेट्स में आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पैसा और खर्चा करना पड़ेगा। उसके ऊपर और आप आएंगे तो आपको कुछ हेलमेट्स ऐसे वाले भी मिलेंगे। ये एक्सोर का है जो 4994 है। अभी इसमें भी आपको डे वाइजर सब कुछ मिल जाएगा, पैडिंग आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएंगी। इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या क्या है और कौन सा हमें खरीदना चाहिए। और उसी के बाद अगर आप आएंगे तो आपको इस तरफ आ जाइए, आपको कुछ ऐसे MTK के हेलमेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो ये रिवेंज सीरीज है। अभी इनको रख देते हैं साइड में। ये तो मैंने आपको बस थोड़ा सा चीजों के बारे में बताया कि क्या क्या रेंज है हेलमेट्स की, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिले। तो चलिए अब हम जानते हैं हेलमेट के बारे में कि ये जो हेलमेट होता है इसकी क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या कैसा होता है ये अंदर बाहर से। तो सबसे पहले जो बाहर ये शेल, आउटर शेल दिखता है, जिसपे ये ग्राफिक्स दिखते हैं, वो आउटर शेल होता है, जो मेन प्रोटेक्टिंग पार्ट होता है किसी भी एक हेलमेट का। उसके बाद हम यहाँ पे जाएं, ये पोर्शन जो होता है ये स्वेट बैंड होता है, जो ये आपको दिख रहा होगा मेरी उंगली पे, ये वाला पोर्शन स्वेट बैंड होता है। और उसके बाद ये जो ये वाली पोर्शन होती है इसको बोलते हैं पैडिंग। सेम ब्रांड्स का स्पेसिफिकली जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जितने भी सेम ब्रांड्स के हेलमेट होते, चाहे वो SMK हो, एक्सोर हो, MT हो, उन सबके जो आउटर शेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। जस्ट जो डिफरेंस होता है साइजेस में, अगर आप देखेंगे ये मेरे पास हेलमेट है XL, तो ऐसे ही हेलमेट स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, XL, XXL ऐसे आते हैं। तो वो डिफरेंस किस में आता है? शेल्स में नहीं आता है, ये वाली चीज में नहीं आता है, वो पैडिंग में आता है। और पैडिंग के काफी मुनाफे होते हैं, जैसे कि आपको कंफर्ट देती है, आपको किसी भी इम्पैक्ट पे फर्स्ट सरफेस होगी जो आपके फेस के साथ टच होगी, बट जो डैमेज का फोर्स ट्रांसफर होगा वो पैडिंग के थ्रू होगा। तो पैडिंग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ऐसी कुशन्ड होती है, तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जितना छोटा मोटा बचता है वो आपके फेस पे ट्रांसफर करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। प्लस ये पैडिंग्स जो थोड़े से भी आप अगर अच्छे इकोनॉमिकल बजट वाले हेलमेट्स लेंगे, जो कि आपको लेने चाहिए, उनका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये रिमूवेबल पैडिंग्स के साथ आते हैं। अगर आप देखिए तो ये सारी की सारी पैडिंग रिमूव हो सकती है, बटन्स पे होती है। सिमिलरली ये ऐसे रिमूव होती है। इसका अब बेनिफिट क्या है? मेरी रिंगटोन है, बने रही है। अभी इनका बेनिफिट ये है, रिमूवेबल पैडिंग ये होता है कि जब भी
और 3-4 महीने के एक्सटेंसिव यूज के बाद जब ये हेलमेट गंदा हो जाएगा अंदर से, तो इसको साफ करने के 2 तरीके रहेंगे। या तो बाहर का तो आप कपड़ा मार सकते हो, पैडिंग को आप रिमूव करके अच्छे से डिटर्जेंट में धो के सुखा के दोबारा से लगा सकते हो, या आप ऐसे हेलमेट क्लीनर्स का भी यूज कर सकते हो। मेरे पास अभी मोट्यूल का है, उस्तरा का भी है, और उसके बाद हमारे पास पोर्टोलिन की भी है हेलमेट सैनिटाइजर्स, ये भी काफी है। कोरोना के काल में काफी चीजों का ज्यादा अच्छा यूज होना चालू हुआ है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी हमारी लाइफ में, बट हम यूज नहीं करते थे, जैसे सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर। वैसे ही ये हेलमेट सैनिटाइजर है, आप सबको रखना चाहिए और यूज करना चाहिए। नॉर्मल हेलमेट्स होते हैं, इनका पैडिंग रिमूवेबल नहीं होता है, ये गंदा हो गया, खराब हो गया तो खत्म हो गया, आपको बर्दाश्त करना है। हेलमेट क्लीनर से आप क्लीन कर सकते हो, बट वही है कि आप रिमूव नहीं कर सकते, आप इसमें इसको ऐसे ही आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ऐसा ही है सिस्टम से। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, इन वाले हेलमेट्स का सेकंड जो एडवांटेज है, जो ये वाले हैं, वो ये है कि क्योंकि इनका पैडिंग रिमूवेबल होता है और इन हेलमेट्स का पैडिंग रिमूवेबल नहीं होता है, तो आप इनमें ब्लूटूथ इंटरकॉम्स, ब्लूटूथ या इंटरकॉम्स इंस्टॉल नहीं कर पाते। इन हेलमेट्स में बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, वेयरएज इन हेलमेट्स में जिनका पैडिंग रिमूवेबल होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर पॉकेट्स भी दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिमूवेबल, पैडिंग को रिमूव करोगे तो आपको यहाँ पे स्पीकर पॉकेट भी देखने को मिलता है। अभी इन स्पीकर पॉकेट्स में आपको इंटरकॉम, ब्लूटूथ ये सब इंस्टॉल करने को जगह मिल जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सर पे ज्यादा, आप जब पहनते हैं इंटरकॉम, आप इंटरकॉम इंस्टॉल करके जब आप पहनते हैं आपका हेलमेट, ये आपको पेन नहीं करता, इच नहीं करता, जैसे ऐसे इंटरकॉम्स हम अपने हेलमेट्स पे लगाते हैं, जैसे मैंने अपने हेलमेट पे अभी सेना लगाया हुआ है, तो वो प्रॉपरली कवर्ड हो जाता है ऐसे पैडिंग में और इसके पीछे छिप जाता है, आप देख पा रहे हो। तो ऐसे ही इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अभी ये बेनिफिट इसलिए गिना रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको जब आप इन्वेस्ट करें, एक्सपेंस मत समझिए इन चीजों को, कि जब भी आप ये सेफ्टी गियर्स पे खर्चा कर रहे हैं तो उसको खर्चा मत बोलिए, उसको इन्वेस्टमेंट बोलिए। जब भी आप करते हैं तो ये जो 2 चीजें मैंने बताई कि आप पैडिंग रिमूव कर सकते हैं और पैडिंग को धो के सैनिटाइज करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं बटन द्वारा या वेलक्रो द्वारा, कुछ हेलमेट्स में वेलक्रो भी होता है, और सस्ते हेलमेट्स में ये सब सुविधाएं आपको नहीं मिलती है, ये एडवांटेजेस नहीं मिलती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे किसी हेलमेट में, ये सब चीजों का ध्यान रखिए। क्यों ध्यान रखिए? क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप राइड पे जा रहे हैं, आपको अपने दोस्त के साथ या आपको अपने आपके पिलियन के साथ बात करनी है, और आपको बार बार वो इरिटेशन होगा कि आपको रुक के साइन लैंग्वेज में ये बात करनी है, इंटरकॉम इंस्टॉल नहीं कर सकते फिर आप, अगर आप ऐसे सादे सस्ते वाले हेलमेट लेते हैं। अभी ये तो बात थी इनकी यूजेबिलिटी की, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे लास्ट में बता रहा हूं मैं आपको। अभी ये हेलमेट्स सेफ्टी रेटिंग्स के थ्रू जाते हैं। आपको याद होगा मेरे लास्ट 2 टेक्निकल टाइगर की सीरीज में भी मैंने लास्ट 2 वीडियोस में यही बताया था कि सेफ्टी प्रमाणता जो है, सर्टिफिकेशन जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी गियर्स में, जिसका ध्यान रखना चाहिए। हम अमूमन चीज़ें फैंसी दिखती है, ग्राफिकल दिखती है, पसंद आ जाती है, दुकानदार बेच देता है, बेच देते हैं, बट हम ये देखना, ये जाँच करना, पड़ताल करना, पूछना भूल जाते हैं कि वो चीज़ हमें उस बॉडी पार्ट को कितना प्रोटेक्ट करती है। तो अभी डायरेक्टली मैं जंप करता हूं हेलमेट्स में। अभी हेलमेट्स में ये वाले जो हेलमेट्स होते हैं, इनकी प्रमाणता अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस पे अच्छे से स्टिकर दिया हुआ है, लगा हुआ है, यूरोपियन सर्टिफाइड हेलमेट, जिसको हम ईसीई के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे, इसके बाद आपको कुछ हेलमेट्स में DOT भी आएगा और ECE भी आएगा। अभी ये DOT, ECE कुछ हेलमेट्स में आप और ऊपर जाएंगे तो स्नेल रेटेड आएंगे, SNELL स्नेल रेटेड आएंगे। अभी ये चीज है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन, अभी ये चीजें हैं क्या? अभी ECE यूरोपियन स्टैंडर्ड है, किसी भी
चीज को प्रमाणित करने का अगर वो मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। ये जो हेलमेट्स हैं और ये हेलमेट्स हैं और ये हेलमेट्स हैं और ये हेलमेट्स हैं, ये सारे हेलमेट्स ECE सर्टिफाइड हैं। इसका मतलब ये इन लोगों ने मिनिमम सेफ्टी जो रिक्वायर है इस हेलमेट को पहनने वाले के लिए, इस हेलमेट को बनने में, उन रिक्वायरमेंट्स को इन लोगों ने मीट करा हुआ है, इन ब्रांड्स ने, इन मॉडल्स ने मीट करा हुआ है, इसलिए ECE ने इनको सर्टिफाइड किया हुआ है। ECE 50 से ज्यादा कंट्रीज में आज की डेट में यूज होता है। उसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा था कि कुछ हेलमेट्स में आपको DOT सर्टिफिकेशंस मिलेंगी, अभी DOT ECE की तरह ही है, बट फर्क ये है DOT सिर्फ US नेशंस में ही यूज होता है, उनका अपना सेफ्टी मापदंड है, तो वो चीजों को टेस्ट करते हैं, वो US के लिए DOT है। और इससे भी ऊपर सुपीरियर आप जाएंगे तो स्नेल करके आती है सर्टिफिकेशन, जो मतलब अगर आप ज्यादा ही महंगे हाई फैंसी वाले हेलमेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको देखना है। तो मेजरली हम लोगों के लिए जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोगों को सबसे पहले जब भी आप कोई भी हेलमेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस पर सर्टिफिकेशन चेक करनी है, आपको उस दुकानदार से, उस स्टोर मैनेजर से, उस शॉप ओनर से ये पूछना है कि भैया ये हेलमेट कौन सा सर्टिफिकेशन पे प्रमाणित है। ECE मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर DOT मतलब US ने भी इसको पास करा हुआ है, US के सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी है, मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी है, प्रूव करता है, मीट करता है। वेयर एज अभी आप ऐसे हेलमेट देखोगे तो इन पे आपको सिर्फ ISI मिलेगा। अभी बहुत लोगों को पता होगा, गूगल भी कर सकते हो ISI में, और मैंने पहले भी बताया ISI में सेफ्टी को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया, ISI इंडिया में यूज होता है। ये सीरीज यही बता रहा हूँ मैं बेचने के लिए, या किसी ब्रांड को प्रमोट या किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अवेयरनेस जगाना चाहता हूँ हम लोगों के बीच में। मैंने जैकेट्स में भी कहा था हमेशा सेफ्टी लेवल्स को प्रायोरिटाइज करो, ग्लव्स में भी बताया था मैंने नॉक्स SPS को प्रायोरिटाइज करो, और हेलमेट्स के केस में आपको मिनिमम ECE सर्टिफाइड हेलमेट्स पहनने हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो इस वीडियो के माध्यम से बेसिक हेलमेट के डिटेल्स बताएं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं हेलमेट के, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एडवांटेजेस हैं सस्ते और इकोनॉमिकल के ऊपर, क्योंकि मैं ज़्यादा महंगे 15-20 के ऊपर नहीं गया, जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो कोई फ़ायदा है नहीं वो। और उसके अलावा मैं अगर आपको हेलमेट्स के बारे में बताऊँ तो बहुत सारे फीचर्स एड ऑन होते रहते हैं हेलमेट्स में, जिसके ऊपर भी मैं जाना नहीं चाहता, मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, सिर्फ सेफ्टी पे ही रखना चाहता हूँ। आप अगर 4,000-4,500 के ऊपर खर्चा करने का मन रखते हैं तो आपको पिन लॉक इंसर्ट, आपको उसके ऊपर सनवाइजर्स, यहाँ पे ये जो फिल्म है एंटी फॉग फिल्म है, पिन लॉक रेडी है, ये सब चीज़ें अगर आपको खर्चा करनी है तो आप, आपका मन बना हुआ है तो आप ये जा सकते हैं। मैंने ये चीज़ें कवर नहीं की है, जानबूझ के नहीं की है, क्योंकि ये सेफ्टी को लेकर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस को लेकर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए कि बारिश में यूज़ करना है तो फॉग, एंटी फॉग होना चाहिए, जो मेरे पास तो नहीं है, मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने मैनेज कर लिया है, डे वाइजर होना चाहिए, ये सब कन्वीनियंस को, मेरा जो व्लॉग है अभी तक का वो सिर्फ प्रोटेक्शन को लेकर ही मैंने आज तक रखा हुआ है, शायद फ्यूचर में कंपैरिजन वीडियो करूं। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे और किसी चीज़ का आपको वीडियो चाहिए जो मैं कवर करूं। बाकी लाइफ बढ़िया चल रही है, मज़े आ रहे हैं, अच्छे नशे हो रहे हैं कोविड के टाइम में, बॉम्बे दोबारा से लॉकडाउन में जा रहा है, मिनी लॉकडाउन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है बॉम्बे में आज से। सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज हमेशा कीजिए, ये तीन चीज़ें प्लीज फॉलो कीजिए, खत्म करते हैं यार कोरोना का, बहुत टाइम हो गया, सबका राइड करने का मन होगा। विद दैट एज ऑलवेज स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे सैनिटाइज, स्टे सेक्सी, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, स्पेशली मॉम। जय हिंद।